हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टन विप्रो वाईटी पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बीजीएमआई को चलाया जाए इम्यूलेटर पे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और 90 FPS पे चलने वाली है ये। ठीक है, अगर आपकी पीसी एकदम ठीक ठाक है, लैपटॉप ठीक ठाक है तो एकदम 90 FPS पे एकदम स्मूथ एंड मक्खन की तरह चलेगी, एकदम बता रहा हूँ मैं। तो वीडियो में बने रहना और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ब्लू स्टैक्स की, तो आ जाना आपको यहाँ ब्लू स्टैक्स के ब्राउजर पे। जैसे आप क्लिक करेंगे आ जाएंगे और आपको ये डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से ब्लू स्टैक फाइल, तो आपको कुछ ऐसे करके ये दो फाइल बन जाएगी। आपको मल्टी इंस्टेंस मैनेजर पे नहीं क्लिक करके ब्लू स्टैक्स फाइल पे क्लिक करना है और ये ब्लू स्टैक फाइल खुल रही है। तो हमारा ब्लू स्टैक्स खुल चुका है और अब हमें यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता दूँ। पहले आपको जाना है इसके सेटिंग्स में, सेटिंग्स और जैसा जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा आपको सेम टू सेम करना है। अगर आपकी पीसी एकदम मीडियम है तो आपको यहाँ पे कस्टम में कर लेना है। ठीक है, पहले तो आपको कस्टम में कर लेना है यहाँ पे और यहाँ से 2 से हटा के इसको 8 में कर लेना है। ठीक है, देखो असाइनिंग ऑल सीपीयू कोर्स टू ब्लू स्टैक्स विल काउज ओवरऑल सिस्टम टू लैग स्लो डाउन। ठीक है, इसे 6 पे कर लेते हैं, 6 पे कर लिए तो अब ये परफेक्ट हो गई है। ठीक है, तो आप क्या करना है हमें कि कस्टम एमबी को 4 GB पे हाई पे एकदम सेलेक्ट कर लेना है मेमोरी एलोकेशन को और फ्रेम रेट कर देना है हम लोग को 120 पे। ठीक है, क्योंकि जो है ये 120 ही जाएगी, उससे ज़्यादा मतलब 90 FPS पे चलाना है ना। और हमारी पीसी है तो पीसी तो आपको पता ही होगा कि 120 फ्रेम रेट 23 फ्रेम रेट आराम से चला सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 144 हर्ट्स की है मेरी, 120 हम रखेंगे यहाँ पे, इनेबल हाई फ्रेम रेट्स। ठीक है, इसको कर देंगे और डिस्प्ले FPS ड्यूरिंग गेम प्ले, तो ये हमें नहीं करना है कि ऊपर में भाई FPS दिखेगी मेरे को ठीक नहीं लगेगा यहाँ पे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ जब जब आप सेव चेंजेस करेंगे एक बार और रीस्टार्ट होगा तो आपको सबर करना है। ठीक है, अब हमें डिस्प्ले में आ जाना है। मैं आपको बार बार ये बता दूं कि बार बार ये रीस्टार्ट होगी। ठीक है, जब जब आप सेव चेंजेस करेंगे और सेव चेंजेस के बिना आप दूसरे में जा नहीं सकते। ठीक है, तो रीस्टार्ट होगी यहाँ पे 1920 पिक्सल कर लेना है हमें आराम से। और आपको कैसे DPI अच्छी लगती है वहाँ पे डिपेंड करता है, मैं आपको बता दूँ मेरे हिसाब से आप 160 DPI रख लो, ये बेस्ट रहेगी आपके लिए। 160 DPI लो, रख लो, डेंसिटी आपकी बहुत चलने वाली है। और यहाँ पे फिर से क्लोज होगी, सेव चेंजेस होगी, वीडियो को स्किप करेंगे, ग्राफिक्स में आएंगे। एक बार फिर से हमारा ऑन हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने ग्राफिक्स सेटिंग में और परफॉर्मेंस मोड हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड कर देना है, या तो आप चाहे तो कंपेबिलिटी भी कर सकते हैं अगर आपकी पीसी बहुत अच्छी है। मेरी पीसी अभी लैपटॉप ठीक ठाक है तो मैं कंपेबिलिटी एडवांस मोड में रखूंगा। अगर आपकी पीसी आपको लगता है कि थोड़ी लो एंड है तो आप परफॉर्मेंस मोड में रख सकते हो और आपकी डायरेक्ट एक्स के लिए भी आपका यही है, नहीं तो आप ओपन जीएल। आपका अगर आपको लगता है डायरेक्ट एक्स और ओपन जीएल में क्या है, ग्राफिक कार्ड का, अगर आपका ग्राफिक कार्ड है एकदम तगड़ा वाला तो आप डायरेक्ट एक्स सेलेक्ट कर लो, अगर आपका नहीं है तगड़ा वाला तो आप ओपन जीएल सेलेक्ट करो। मेरा ग्राफिक कार्ड ठीक ठाक है, 1650 Ti है, मैं सेलेक्ट कर लूँगा डायरेक्ट एक्स। मेरा लैपटॉप का आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। तो इंटरफेस रेंडर कर देते हैं डायरेक्ट एक्स पे। ठीक है, मैं इसके डायरेक्ट एक्स पे कर दूंगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ठीक ठाक है मेरा लैपटॉप। तो ASTC टेक्सचर बेटा आपको दिख रही है, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर में कर देंगे इसको और यहाँ फिर से सेव चेंजेस करेंगे और आ जाएंगे प्रीफ्रेंस। वही आ चुके हम लोग प्रीफ्रेंस में और मैं आपको बता दूं बार बार कि आप जब जब सेव करेंगे ये आपको रिस्टार्ट होने वाला है, तो आप दिक्कत मत लेना क्योंकि आपको मक्खन की तरह माफी चलेगी, मक्खन की माफी बता रहा हूं मैं। ठीक है, आपको प्रेफरेंसेस में आके यहाँ पे सब कुछ ऑन कर देना है। ठीक है, हेलो ब्लू स्टैक्स टू, ये आपको जो है अनलॉक माउस कर्सर वगैरह सब आपको, और अगर आपको कोई चेंज पाथ करना है आपको कहाँ इसको इंस्टॉल करना तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। मैं अभी इसे डिफॉल्ट पे छोड़ दूंगा ये वैसे के वैसे, और चलते डिवाइस सेटिंग की ओर। डिवाइस सेटिंग में आ गए हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है एसुस रॉग 2, क्योंकि यहीं पे हमें 90 FPS देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे में आपको 90 FPS देखने को नहीं मिलेगी। चल जाते हैं एसुस रॉग 2 पे, तो आ चुके हम लोग और यहाँ पे करना हमें टी मोबाइल से, टी मोबाइल का टी मोबाइल ही रहने देना। ठीक है, और AT&T ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये रहने दो, यहीं पे टी मोबाइल रहने दो, सेव चेंजेस करते हैं। तो भाई आ चुके हैं हम लोग एडवांस में और एडवांस में आप देख सकते हैं जैसा कि तैसे ही हमें रहने देना है, इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, अब इसे करते हैं क्लोज और अब आ जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में आ जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर हमारा खुल चुका है, हमने अपने मेल आईडी से लॉगिन कर लिया है। ठीक है, आपको मेल आईडी से लॉगिन कर लिया, मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई नहीं, तो आ जाना है यहाँ पे, आपको टाइप करना है PGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, आरजी फर्जी से डाउनलोड मत कर लेना आप, ये सही लिंक है। ठीक है, आप यहीं से डाउनलोड करना। और ब्लू स्टैक्स की बात रही तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, तो एकदम ओरिजिनल लिंक लेगा, आपको कोई एडवर्ड नहीं चलेगा उसमें, दिक्कत की बात नहीं, आराम से खोलना डाउनलोड करना उसमें से। और ये डाउनलोड हो रही है, वीडियो करते हैं यहीं पे स्किप। तो देख सकते हैं आप हमारा ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हो चुका है डाउनलोड और ये हो रहा है इंस्टॉल, और हमें ये ओपन अभी नहीं करनी है। मेरी बात पूरी तरीके से सुनिए, ये मत
ठीक है, VAGT यहाँ पे टाइप करना है। एक और सॉफ्टवेयर है जो डाउनलोड करना है, ये JFX टूल है, ठीक है, नो बैन, ये बैन नहीं, मतलब ये बहुत अच्छी है, आप आलतू फालतू मत डाउनलोड कर लेना, यही डाउनलोड करना। अगर आपने एक भी मिस्टेक की स्किप की तो भाई आप जिम्मेदार हो अपने होने वाले ब्लू स्टेक में दिक्कत के लिए, तो कर लेना ओपन यहाँ पे। तो यहाँ हम इनकर चुके हैं अपने GFX टूल पे, और जैसे कि तैसे आपको सेटिंग कर देनी है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने मैं स्मूथ पे खेलता हूँ, स्मूथ पे कर दिया, यहाँ आप चेंजेस कर सकते हो कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंपलसरी अल्ट्रा टेबलेट पे रखनी है, अगर 90 FPS पे आपको चलानी है तो यहाँ 90 FPS कर लेनी है। और ये कलरफुल, ये भी आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं कलरफुल पे रखना पसंद करता हूँ, मक्खन माफिक चलती है। और साउंड इनहेंसमेंट को आप अल्ट्रा में कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ सेव कंट्रोल्स को इनेबल कर लीजिए और यहाँ अप्लाई कर दीजिए इसको। अप्लाई होने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ऐड आएगी, उसको स्किप कर देना है, इग्नोर करना है, एकदम दिक्कत की बात नहीं है, फ्री ऐप है तो चलती है, और रन गेम यहाँ से करना। और आपका रन गेम अगर यहाँ से ऑटोमेटिकली नहीं होता है तो आप कोई बात नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना है बैक, और आपको आना है फिर से बैक होम में आना आपको। तो GFX टूल्स की सेटिंग हो गई है, और अब हमें ऑन करना है BGMI और अप्लाई और रिस्टार्ट। चलो एक बार रिस्टार्ट मांगेगा ये, लास्ट बार रिस्टार्ट मांगेगा ये, वीडियो को स्किप करते हैं। हो रही है हमारी BGMI ऑन, और हो चुकी है ये सक्सेसफुली ऑन। तो इससे पहले मैं आपको बहुत सारी सेटिंग नहीं, थोड़ी मोड़ी सेटिंग है, घबराओ मत भाई। गेम कंट्रोल्स जो है ऑन स्क्रीन को यहाँ से हटा देना है आपको, ठीक है, तो अलाउ कर दो, परमिशन वगैरह सब अलाउ कर दो। बहुत लोगों ने कहा था मुझे कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया वाली प्रॉब्लम आती है उनके साथ जब वो एमुलेटर के साथ खेलने जाते हैं, तो देख लो भाई रेस्ट्रिक्टेड एरिया प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, गारंटी लिख के ले लो मेरे से, कुछ भी हो जाए रेस्ट्रिक्टेड एरिया प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लो BGMI हो चुकी ऑन, और यहाँ पे आपको भी कुछ डाउनलोड लगेगा 600 MB, तो वीडियो को करते हैं स्किप। तो भाई जब तक के लिए ये डाउनलोड हो रही है तब तक हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं गेम कंट्रोल्स में, गेम कंट्रोल्स में हम ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स आपकी ऑन रहेगी, उसको ऑफ कर देना है आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्कीम्स में आनी है, स्कीम्स 1080p स्टैंडर्ड पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, और आपका ये जो माउस सेंसिटिविटी है ये आपको जो भी रहेगी आपको 35 या 40 कर लेनी है अपने हिसाब से, देख लेना है आपको। और यहाँ पे कर लेनी है 0.60, यहाँ पे सेटिंग हो चुका है कंप्लीट, और आपको यहाँ पे आ जानी है ओपन एडवांस एडिटर पे। और जब आप एडवांस एडिटर पे आएगी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सिंपल से यहाँ पे जो आपको दिखेगी F1 या कुछ भी आपको करके आएगी, टैब वेब शिफ्ट जो भी आएगी आपको इस पे क्लिक करना है, और आपको कंट्रोल दबना है, ठीक है, कंट्रोल प्रेस कर देना, और कंट्रोल प्रेस करके आपको सेव कर देना, बस हो गया हमारा, पूरा सेटिंग हो चुका है, यहाँ से कट कर देना है यहाँ पे, और हमारा ये गेम रेडी हो चुका है। सेटिंग पूरा एकदम जब तक डाउनलोड हो रहा था हमने सेटिंग कर लिया अपना। तो बताओ रेस्ट्रिक्टेड एरिया वाली दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो भाई देखो अब क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तो ये गेम तो चलने वाली है, और आप वीडियो को लाइक करने ही वाले हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हो। देखो ये चल चुके हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया वाली कोई दिक्कत नहीं है। डू यू रिसाइड इन इंडिया? यस। आर यू 18 ईयर्स ओल्ड? यस आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, देखो तो पूरी तरीके से हम लोग हमारी BGMI जो है रेडी हो चुकी है, ये हमें आप सिखाएगी, बकचोदी करने सिखाएगी, आपको ये सिखाएगी कैसे खेलना है, तो वो सब भाई आप देख लेना। तो भाई मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, पुराने भी सब्सक्राइब कर दो भाई, तुम्हारा भाई ने कर दिखाया। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तो मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और एंजॉय करो, गांड फाड़ के एकदम BGMI खेल डालो यार PC में, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में जरूर बताना। चलो टाटा बाय बाय।